Hey guys, वापस स्वागत है आप सभी का मैं हूं सौरभ देवतर आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर लेकिन दुनिया में कुछ अजीब करने हम लोग पहुंचे हैं फिजिक्स का ब्रेन बूस्टर सीरीज टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो सेशंस ऑलरेडी मैंने कंडक्ट कर दिया है फर्स्ट सेशन में हम लोग ने लिया था फॉर्मूला उसके बाद दो सम्स सेकेंड सेशन में हम लोग ने पांच सम लिया था जो सी में पूछे गए थे आज कुछ खतरनाक सम करने जा रहे हैं okay? ओके तो शुरू करते हैं पहले सम के साथ द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज फोर्टी एट माइक्रोफेरेड वेन इट इज चार्ज्ड फ्रॉम जीरो पॉइंट वन कुलम टू जीरो पॉइंट फाइव कुलोम चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड ओके व्हाट इज द फॉर्म्यूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड कैन एनी बडी प्लीज टेल मी ई इज इक्वल टू दैट्स ग्रेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है क्यू स्क्वेर बाई टू ये तो सबको पता है मेरे को एग्जैक्टली exactly क्या फाइंड आउट करना है चेंज इन एनर्जी स्टोर करना है मतलब चेंज इन एनर्जी कैन बी शोन लाइक डेल्टा ई ओके आई न्यू इट की यार सी टी जेडबल में नीट में इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं ये सब करते बैठू लेकिन मेरा फर्ज बनता है ब्रेन बूस्ट होना चाहिए अपना इसके लिए ब्रेन बूस्टर सीरीज है ताकि हर एक चीज अपने को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए तो डेल्टा मतलब क्या चेंज इन एनर्जी दैट इज ई टू माइनस ई वन अब E2 क्या रहेगा ऑब्वियसली ऑब्वियसली चार्जेस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चेंज हो जाएगा तो दैट इज Q2 का स्क्वायर अपॉन 2C सी माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2C सी एनी डाउट अप टू दिस राइट तो चलो फिर 2C को कॉमन निकाल देते तो वन अपॉन टू ब्रैकेट में बचेगा Q2 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर होप यहां तक सबको समझ चुका है राइट लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देन वाई वी आर वेटिंग फॉर दिस ओके कैन एनी बडी प्लीज टेल मी वन अपॉन टू सी ओके सी का वैल्यू कितना 48 दिया है फोर्टी एट दिया है फोर्टी एट है तो दैट विल बी फोर्टी एट इंटू टेन थ्री टू माइनस सिक्स यहां पे होने वाला है ओके okay, चलो फिर क्यू टू कितना है क्यू वन कितना है जरूर पता है यहां से यहां जा रहा है तो ऑब्वियसली क्यू टू बढ़ा ही होना चाहिए राइट ना तो उसका स्क्वायर कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन अगर ये स्क्वायरिंग नहीं जम रहा है डेसिमल का अपने ही चैनल के ऊपर वैदिक मैथ्स का प्लेलिस्ट है जाओ वहां पे ये सब कुछ मैंने सिखा दिया है वो भी शॉर्टकट मेथड से सो डोंट मिस दैट विल जस्ट प्रोसीड विद द कैलकुलेशन गाइस दिस विल गिव्स यू व्हाट विल बी द आंसर कैन एनीबडी प्लीज टेल मी जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो वन डिवाइडेड बाय इंटी सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स होने वाला है तो चेक करो ये सब कैलकुलेशन आप प्रॉपरली कर सकते हो तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो दैट विल गिव यू टेन रेज टू सिक्स ओके इसको सॉल्व कर लोगे और इसके साथ सॉल्व कर लेगा तो योर फाइनल आंसर शुड बी टू फाइव डबल जीरो जूल्स ओके जस्ट डू द कैल्कुलेशन प्रॉपरली योर फाइनल आंसर इज टू फाइव डबल जीरो जूल्स तो फाइनल ऑप्शन होता है ए ओके जस्ट मार्क द ऑप्शन ए विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम ये रहा अपना अगला सवाल द कपैसिटन्स बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग सर्किट सर्किट दे दिया है प्रोपरली चेक करो दिस इज वॉट द पी पॉइंट एंड दिस इज वॉट द क्यू पॉइंट इसके बीच में इक्विवेलेंट कपैसिटन्स हम लोग को फाइंड आउट करना है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसा एक सम हम लोग ने ऑलरेडी सेशन टू में किया है तो ज्यादा डेप्थ में इसकी जाने जरूरत नहीं है आप सबको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है कैन एनी बडी प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस चेक करो यार दीज टू आर इन पैरल एंड देन ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा दट विल बी सीरीज विथ दिस टू ओके तो एक काम करते है सबसे पहले सीपी कैल्कुलेट कर लेंगे मतलब कपासिटन्स विच आर इन पैरल दट ग्रेट तो कौन कौन है पैरल में चेक करो वन प्वाइंट फाइव इज पैरल विथ वन पॉइंट फाइव तो आंसर आना चाहिए थ्री माइक्रो फैर ओके तो इक्वालेंट सर्किट कैसे बनेगा चेक करो यहाँ पे एक थ्री वाला बनेगा यहाँ पे एक थ्री वाला बनेगा और यहाँ पे एक थ्री वाला बनेगा ये बीच वाला क्यों आया बिकॉज जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है वो यहां पे आ गया है ठीक है तो यहाँ पे थ्री माइक्रोफायर यहाँ पे भी थ्री माइक्रो फायर अब कैन यू जस्ट टेल मी ये तीनों के तीनों किस में है सीरीज में है लास्ट टाइम मैंने बताया था सीरीज कैसे कैलकुलेट करना है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वो शॉर्टकट से तो आप अपने ट्रेडिशनल वे से जाओ लेकिन मैं जा रहा हूं शॉर्टकट से मैं जा रहा हूं शॉर्टकट से कैन एनी बडी प्लीज मी हाउ टू सॉल्व दिस देखो सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट करना है एज यू नो वन अपॉन सी एस का फॉर्मूला सब लोग अगर बोल रहे हैं कि मैं ट्रेडिशनल वे से ही जाऊं तो मैं ट्रेडिशनल वे से ही जाता हूं दैट इज वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री अब देखो तीनों का वैल्यू थ्री है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है सॉल्व करने के लिए वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री होने वाला है तो आंसर कितना आएगा सबको ऐड कर दो सबका डिनोमेटर सेम है तो इट विल गेट थ्री बाई थ्री तो आंसर विल बी वन माइक्रोफर एड ओके तो दिस विल बी द ओवरऑल आंसर दैट इज वन माइक्रो योर फाइनल ऑप्शन शुड बी डी दैट्स करेक्ट ओके एनी डाउट इफ यू हैव एनी डाउट सबको रूल पता है कमेंट बॉक्स में आपका हक बनता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कुछ डाउट रहेगा तो मिलते हैं थर्ड सम की ओर चलो देन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दो बार एग्जाम में पूछा गया ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी तो 10 माइक्रोफर चार्ज टू 6 केवी इज यूज टू तो लिफ्ट अ मास ऑफ टेन ग्राम ओके द हाइट टू विच द बॉडी कैन बी रेज इज वन मीटर्स एटीन मीटर्स वन मीटर्स एटीन मीटर्स ओके अब चेक करो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा सबसे पहले कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्म्यूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड ओके सबसे फेमस फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वी हैव टू जस्ट द व्हाट वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट हाइट कैलकुलेट करना है तो हाइट का ऐसा कौन सा फॉर्म्यूला है जो मैं ये एनर्जी के साथ बोल सकता हूं ऑब्वियसली सबको पता है एम जी एच आपने ये स्टैंडर्ड से जरूर सुना है यार हाफ इज सी वी स्क्र इज इक्वल टू एम जी एच तो कैन यू प्लीज टेल मी एच इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो एम जी वो साइड पे एडजस्ट हो जाएगा तो सीवी स्क्वायर अपॉन टू एम जी एनी डाउट गाइस राइट लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर ऑफ हाइट दैट्स इट दैट्स रियली सिंपल गाइस सी का वैल्यू क्या है चेक कर लो आपके पास है टेन इन टू टेन रेस टू माइनस सिक्स दे दिया है ना ओके okay, आगे, तो तो right? आगे बढ़ते हैं टेन माइक्रोफेरेट दिया है नेक्स्ट वन वी का वैल्यू कितना दिया है ग्रेट ग्रेट केवी दिया है तो सिक्स का हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि वी स्क्वायर करना है तो थर्टी सिक्स इंटू टेन टू हो जाएगा सिक्स राइट टेन रेज टू हो जाएगा सिक्स आगे बढ़ते हैं ओके अब आगे बढ़ते हैं टू एम को भी सब्सटीट्यूट कर देंगे टू इंटू कितना दिया टेन ग्राम तो टेन इंटू टेन रेस टू स थ्री हो जाएगा जी दिया है नाइन पॉइंट एट इतना ही कैलकुलेशन वी हैव टू जस्ट डू इट गाइस इतना ही कैलकुलेशन करना है चेक करो आंसर भी बहुत सिंपल आ जाता है टू टू कैंसिल आउट दिस दिस विल गेट कैंसिल आउट दिस दिस विल गेट कैंसिल आउट एटीन और नाइन पॉइंट एट ही सिर्फ बचता है ठीक है नाइन पॉइंट एट ही सिर्फ बच रहा है और फाइनली बचेगा ये टेन टेन तो कैंसिल हो गया टेन रेस टू थ्री ऊपर चला जाएगा ओके okay, तो फाइनल आंसर बचेगा एटीन हंड्रेड अवेटिंग माई पॉइंट एटीन हंड्रेड ओके इसको जब भी, भी आप मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ कैंसिल ही होने वाला है एटीन हंड्रेड ओके तो आपका ऑप्शन होने वाला है फाइनल ऑप्शन होने वाला है डी ओके okay, चेक कर लो अच्छे से कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ लेना आई सॉल्व इट इंडिविजुअली लेट्स प्रोसीड विद दी फोर्थ सम ओके okay गाइज आगे बढ़ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैविंग कपैसिटेंसेज वन माइक्रोफेरेट टू माइक्रोफेरेट फोर एट एंड सो ऑन कितने हैं वी डोंट नो आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्वलेंट कपैसिटन्स ऑफ द सिस्टम इज पहला ही ऑप्शन बहुत खतरनाक इन्फाइनाइट सेकेंड ऑप्शन जीरो पॉइंट टू फाइव थर्ड इज जीरो पॉइंट फाइव फोर्थ इज टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो बहुत लोग को ये पल्ले ही नहीं पड़ता सॉल्व कैसे करना है देखो इतना सिंपल है ना यू वोन्ट बिलीव दिस यू वोट बिलीव दिस चेक करो वन अपॉन वन अपॉन सी एस ओके दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ऑब्वियसली आई हैव टू यूज दैट सीरीज वाला फॉर्मूला सबको होपफुली पता है वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू एंड सो वन राइट ये सबको पता है यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं तो पहला क्या है वन अपॉन वन होने वाला है. है ना वन है नेक्स्ट वन अपॉन क्या होने वाला है दैट्स ग्रेट होने होने वाला वाला है है अपॉन प्लस वन अपॉन एट होने वाला है प्लस सो ऑन ओके इसका मतलब वन अपॉन वन का वन ही रहेगा अपॉन जीरो पॉइंट फाइव रहेगा वन अपॉन फोर का जीरो पॉइंट टू फाइव रहेगा ये इससे भी छोटा आगे वाला इससे भी छोटा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये आगे वाले टर्म्स को जो भी है ये सबको एड कर दू तो वन प्लस ये हो जाएगा वन बाजू में मैं लिख देता हूं अप्रॉक्स क्योंकि अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा एग्जैक्ट वन तो नहीं आएगा लेकिन 0.999 समथिंग तो जरूर आ सकता है तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज वन तो फाइनल आंसर हो गया टू बट मेरे को सीएस चाहिए तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा सीएस इज इक्वल टू वन बाई टू विच इज इक्वल टू जीरो प्वाइंट फाइव ओके माइक्रो फारेड है क्या अपने ऑप्शन में जरूर है जस्ट मार्केट एज ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज सी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलो देन लेट्स प्रोसीड विद द फिफ्थ क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट ये भी बहुत सिंपल है लेकिन डोंट वरी द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू माइनस नाइन कूलोम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइव आर ओके ओके चेक करते हैं एक्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है कैन यू प्लीज टेल मी एक्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है तो मेरे को लगाना पड़ेगा एन का फॉर्मूला ये तो सबको पता है वॉट इज अ फॉर्मूला ऑफ एन देखो नहीं देखा है तो प्लीज मैं वापस आपको बताने जा रहा हूं गो टू द आई बटन मैं वहां पे डाल रहा हूं सेशन नंबर वन सारे के सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे जरूर मेंशन कर दिए हैं रेफर दैट फॉर्मूले एंड जस्ट कम ओवर इयर तो आपको मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलोंग जीरो के सारे वैल्यू अपने को यहाँ पे सबस्टिट्यूट करना है दैट सेट चार्ज कितना दिया है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेइजू माइनस नाइन डिवाइडेड बाय वॉट इज अ वैल्यू ऑफ एप्सिलोंग दैट्स ग्रेट एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेल्व ओके एंड के का वैल्यू कितना दिया है फाइव डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइव दिया है डोंट कंसिडर इट एज वन हा मजाक मजाक में ये घाई गड़बड़ में वन हो जाता है ऐसे कभी मत करना क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करो देखो भगवान कितना साथ में है आपके और क्या चाहिए जिंदगी में तो ये हो गया वन बाई फाइव इंटू टेन टू ट्वेल्व तो ऊपर गया टू ट्वेल्व माइनस नाइन हो गया टेन रेज टू थ्री तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट टू बरबर है जीरो पॉइंट टू इन टेन रेस टू थ्री तो आंसर आ गया अपना टू हंड्रेड बात खत्म ऑप्शन हो गया बी पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ओके okay, जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के साथ ये सेशन का वेन अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस फोर माइक्रोफेर एंड पोटेंशियल इज हंड्रेड वोल्ट इज डिस्चार्ज ओके डिस्चार्ज द एनर्जी रिलीज इन द जूल्स ओके यही सेशन में अपन ने एक फेमस फॉर्मूला मैंने जब सेशन वन में भी बताया था फेमस फार्मूला क्या था हाफ सी वी स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता ये फॉर्मूला और इतना इम्पोर्टेंट है ना हर जगह पे एनर्जी रिलीज बोला तो यही फॉर्मूला अपने को यूज करना बनता है तो हाफ ऑफ सी कितना कितना दिया है फोर दिया है ओके okay? और माइक्रोफर तो ऑब्वियसली दैट शुड बी फोर इन टेन टू माइनस सिक्स ओके okay, वी कितना दिया है 100 का स्क्वायर हो जाएगा चेक करो इसका आंसर कितना आ रहा है टू इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स इंटू ये हो जाएगा टेन रेज टू फोर बात खत्म टू इंटू टेन रेज टू माइनस टू आंसर आ गया जीरो प्वाइंट जीरो टू ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देने का और खुशी मनाने का ओके okay, मिलते हैं जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट सेशन में एंड जल्दी ही मैं फिजिक्स टू का और एक चैप्टर शुरू करने वाला हूं तो स्टे ट्यून एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि जेडबल नीट में अगर फिजिक्स में मार्क्स कम हो गए ना रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है तो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड तो ऑब्वियसली उनके साथ भी यह वीडियो शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए ओके तो मिलते है जल्दी तब तक के लिए सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक कर, करना मत भूलिए है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए गुड डे टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइज